हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टाफ नर्स की वैकेंसी से रिलेटेड, यह वीडियो होने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं बता दूँ कि जो यह स्टाफ नर्स की वैकेंसी होने वाली है इसके अंदर यह डायरेक्टली परसेंटेज बेस वैकेंसी होने वाली है, यानी कि इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो परसेंटेज बेस आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके अंदर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस वैकेंसी से। और जो इस वैकेंसी के अंदर देख लीजिए स्टाफ नर्स पोस्ट यहाँ दी गई है, अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो मैं आपको इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस वैकेंसी के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ इसके अंदर दी गई है। सबसे पहले देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ असनोल की तरफ से आपको यह वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए, रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं हमारी वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी दी गई है सब फर्स्ट के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर एमबीबीएस मांगा गया है। अगर कोई कैंडिडेट एमबीबीएस वाला कैंडिडेट अगर वीडियो को देख रहा है तो वो क्या कर सकता है, इस मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ हमारे स्टाफ नर्स के अंदर तो 61 यानी कि 61 क्या है स्टाफ नर्स की टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग पोस्ट डिवाइडेशन किया गया है। देख लीजिए जनरल की 32 है, एससी की 14 सीट है, एसटी की 4 सीट है, ओबीसी ए की 6 सीट है, ओबीसी बी की 5 सीट है, ऐसे करके टोटल 61 सीट यहाँ पर दी गई है। अब हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट जीएनएम ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल, या अगर जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखी है, यानी कि सीधी सीधी भर्ती यहाँ पर दी गई है कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखी है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट और बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इस वैकेंसी की जो स्टाफ नर्स की जो सैलरी रहेगी 25,000 पर मंथ आपको इसकी सैलरी देखने को मिलेगी। और इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है अपर एज लिमिट रहेगी 61 यानी कि 64 ईयर से ज़्यादा का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए, यानी कि 64 ईयर से कम वाले कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई किसके बारे में, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में और इसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि स्टाफ नर्स की पोस्ट 61 है, ये इसके अंदर जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी दोबारा से मैं बता रहा हूं, अगर कोई कैंडिडेट भूल रहा है तो यह परसेंटेज बेस वैकेंसी होने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आपको दी गई है फार्मासिस्ट की वैकेंसी दी गई है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ये भी परसेंटेज बेस रहने वाली है। फार्मासिस्ट की भी आपको परसेंटेज बेस देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आती है एक कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, ये कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की पोस्ट आती है, 139 यहाँ पर आपको पोस्ट उपलब्ध कराई गई है। अब इसके अंदर देख लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एएनएम को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। एएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसको अप्लाई कर सकते हैं। 13,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी रहने वाली है और इसकी जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो 21 रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है वो 40 ईयर रहने वाली है। यानी कि मैं बात करूँ कि आपके लिए बहुत ही बड़ी भर्ती होने वाली है और बहुत ही अच्छी भर्ती होने वाली है, ठीक है। इस वैकेंसी के अंदर अगर मैं टोटल बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम तीनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स की पोस्ट अप्लाई करेंगे और जो एएनएम वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसको हम अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियो के अंदर होता है वो होता है सिलेक्शन प्रोसेस, कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस टाइप से रहने वाला है। तो मैं कंप्लीट वैकेंसियों का आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस आपको किस प्रकार से रहने वाला है। तो जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि आपने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग के अंदर टोटल कितने मार्क लिए हैं उसके हिसाब से आपकी परसेंटेज निकल कर आ रही है और उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर आपने डीएमएलटी के अंदर कितने मार्क लिए हैं, कंप्यूटर टेस्ट के अंदर आप कितने मार्क लिए हैं, इस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। अगर मैं फार्मासिस्ट की बात करूँ
तो आपने अकादमिक के अंदर यानी कि एम फार्मा के अंदर आपने 85 मार्क में से 85 मार्क का होगा और जो कंप्यूटर टेस्ट है वो 15 मार्क का। इस प्रकार से आपको 100% के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकल कर आएगी। और जो कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट है वही क्राइटेरिया रहने वाला है सेम स्टाफ नर्स की तरह कि ANM और GNM कोर्स है उसके अंदर आपने कितने मार्क अचीव करे हैं उसके हिसाब से आपकी क्या निकल कर आएगी, इसके अंदर मेरिट लिस्ट निकल कर आएगी। तो ये देख लीजिए, यह एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, परसेंटेज बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लास्ट डेट क्या रहेगी, क्योंकि हर वैकेंसी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो हम बात करते हैं इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन में विजिट, यानी आपका कोई कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले विजिट करें hrwhealth.gov.in, ये कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट करें। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 14 मई, यानी कि 14 मई तक आप क्या कर सकते हैं, 14 मई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में बता देता हूँ कि एप्लीकेशन फीस कैसे पे करनी है। तो जनरल वालों के लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस करनी पड़ेगी, SC ST OBC के लिए आपको 50 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, और जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो UPI के माध्यम से करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस पे कर रहा है वो UPI के माध्यम से एप्लीकेशन फीस पे करे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एप्लीकेशन फीस पे ना करें, क्योंकि वो मान्य नहीं होगी। तो आप ये UPI दे रखा है यहाँ पर, इस UPI के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अगर और कैंडिडेट अगर डिस्कस करना चाहता है इसके बारे में तो www.health.gov.in आप मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है, यहाँ पर विजिट करें और जल्दी से जल्दी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो जाके इस वैकेंसी को आप भी जाके भरें, जिससे हो सकता है आपका सिलेक्शन आ जाए परसेंटेज बेस के अंदर, ठीक है। मैंने आपकी कंप्लीटली इस वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।